पंजाब दे पिंडां दे विच काम करदे चौकीदारां नूं तनखाहां ना मिलन ते तलवंडी साबो दे SDM दफ्तर दे अगे कीता गया रोश प्रदर्शन, जिस दे विच मंग की गई कि पिछले 11 महीनों की तनखाह दी जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सूबा प्रधान और ब्लाक प्रधान ने कहा है कि चौकीदारों की तनखाह पिछले 11 महीनों से रुकी हुई है। जदों असी इस बारे अफसरों को पूछते तो बजट ना आने का बहाना ला देते। अज असी दफ्तर अगे रोस प्रदर्शन करते SDM मंगा पूरी करने लिए मंग पत्र दिता है, जिससे उन्होंने सानू तनखाह देने का भरोसा भी दवाया है। जेकर सानू अजे भी तनखाह ना मिलिया तो असी तिखा संघर्ष करांगे। अब सारे चौकीदार कट्ठे होकर जी एक मंग पत्र दे गए ने उन्होंने सैलरीज के रिलेटिड कि सैलरीज उन्होंने मिली नहीं है, तो उन्होंने इस संबंधी दस दिता गया है कि बजट साढ़े को आ गया है और ऑलरेडी उन्होंने बिल प्रोसैस कर ही काम चल रहा है। कुछ अकाउंट्स दिक्कत करके हूँ वो क्लैरिफिकेशन लैके इन्हों तो सारे खाते सही करके बिल बना के खजाने भेज रहे हैं और इस हफ्ते इन्हों सारे सैलरी मिल जूगी। हाँ जी, की नाम थोड़ा जी? हरचरण सिंह जी। पिंड कड़ा जी? पिंड इत्थे आ जी चौकीदार। अज तुसी की मामला सी, की कहना चाहुंदे? अज दा मामला जी साडा तनखाह रुकी पई 11 महीनियां तों, उहदे संबंध च असी अज इत्थे रोस मुजाहरा करिया जी। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਏ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਜਟ ਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ 1200 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ।